गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? घर में सेफ होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक है। जैसा कि यूट्यूब में हम प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपको डाल रहे हैं और आप उसको ध्यान से देख रहे हैं, देखने के साथ साथ आप उसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर रहे हैं। गुड, चलिए बढ़िया है। तो आज टॉपिक बताने वाले हैं वो सेकेंड ईयर प्लस टू का टॉपिक है, वो पार्टनरशिप टॉपिक, पार्टनर्स चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। गुड, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप होता क्या है? जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है, भारतीय सहजर अधिनियम 1932 के तहत कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी समझौते के तहत प्रॉफिट लॉस को जब इक्वली डिवाइड करते हैं या जो भी एग्रीमेंट रेशियो रहता है उस रेशियो के तहत डिवाइड करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता चुके हैं, जिसके तहत सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनके बीच एग्रीमेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट। एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार का डीड होता है जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच इस प्रकार का विवाद नहीं होता है। तो बिना एग्रीमेंट का यदि फर्म करते हैं तो ये डर होता है विवाद होने का, तो उसी एग्रीमेंट, उसी विवाद से बचने के लिए पार्टनर क्या करते हैं, अपने बीच एग्रीमेंट करवाते हैं। तो एग्रीमेंट जो होता है उस एग्रीमेंट में फर्म का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है कि फर्म कब स्टार्ट हुआ, फर्म में पार्टनर कौन है, सैलरी क्या है, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। गुड, तो उसी एग्रीमेंट के तहत सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो रहता है एक टॉपिक है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक बता चुके हैं। गुड, अब आपका टॉपिक क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें एक वर्ड है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट होता है छुट्टी। छुट्टी इसको कहते हैं अवकाश, मतलब किसी भी काम करने योग्य जो व्यक्ति नहीं होता है तो उसको हम फर्म से रिटायर करते हैं, या उसका एज एक लिमिट हो जाता है कि इतने एज के बाद वो काम करने योग्य नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, रिटायर करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म ये कहा गया है कि जब कोई पर्सन या जब कोई पार्टनर काम करने योग्य ना हो तो काम करने योग्य कब नहीं होगा, उसका एज खत्म हो जाएगा, पहला कंडीशन। किसी बीमारी से अवग्रस्त हुआ या किसी कारण से पार्टनरशिप बात कर ले रहा है, झगड़ा कर ले रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप ऑप्शन देते हैं, मतलब उस कंडीशन में फर्म से उसको हम रिटायर कर देते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या क्या निकल जाता है, पहला टॉपिक है हमारा निर्देशन। ध्यान दीजिए सर, आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक है गेनिंग रेशियो। तीसरा टॉपिक है गुडविल और चौथा टॉपिक है रिवैल्यूएशन एसेट लिक्विडिटी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम सिर्फ रिवैल्यूएशन के बारे में बताए थे, एडमिशन में रिवैल्यूएशन एसेट लिक्विडिटी पूरा बताए थे, रिटायरमेंट के तहत भी रिवैल्यूएशन एसेट लिक्विडिटी पूरा बताएंगे। गुड, तो ये चार टॉपिक को पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के, जिसको हम बताएंगे ध्यान से एग्जांपल के साथ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और ध्यान से एक दो बार वीडियो देखिएगा जिससे आपको क्या होगा, इस चैप्टर में कहीं समस्या कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो रिटायरमेंट के तहत पहला कंडीशन न्यू रेशियो। गुड, तो न्यू रेशियो टॉपिक है, इसके तहत पहले आपको एक आसान क्वेश्चन बताते हैं। गुड, तो मान लीजिए हमारा एक्स वाई और जेड पार्टनर है, हमारा एक्स वाई जेड पार्टनर है, इन द रेशियो है 1/2, 1/3, देन 1/6। प्रश्न बोला है हमारा वाई रिटायर, वाई रिटायर निकालना है न्यू रेशियो। गुड, तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इस रेशियो को देखेंगे। तो आप ध्यान देखिए, ये मेरा अनकम्प्लीट रेशियो है। अनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इस समय एक्चुअल में रेशियो सही नहीं दिया है। तो पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तीनों का, तो एक्स वाई जेड 1/2, 1/3, देन 1/6। एलसीएम 6 होगा, ये होगा 3:2:1। अब आपका करेक्ट जो रेशियो आएगा वो 3:2:1 आएगा। तो इसी ये रेशियो एक्स वाई जेड का है, हमारा वाई रिटायर कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए न्यू रेशियो के तहत हमारा बचता है एक्स और जेड, तो एक्स 3:2:1। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताते हैं उसको भी देखिएगा। मान लीजिए हमारा ए बी देन सी पार्टनर, इन द रेशियो है 5:3:2। बोला है बी रिटायर,
बी रिटायर कर रहा है, बोल रहा है इन इज टेकन, इन इज टेकन ए एंड सी 2:1 रेशियो, निकालना है न्यू रेशियो। तो गौर कीजिए कि यहां पे आपका जो बी रिटायर किया है वो टेकन कर रहा है किसे, ए और सी से, मतलब प्राप्त कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा बी रिटायर कर रहा है सॉल्यूशन के तहत, तो बी अपना रेशियो लेगा 3/10, गुड। सबसे पहले निकलेगा रेशियो, क्योंकि 3/10 जो है वो ए और सी से टेकन किया है 2:1 रेशियो। तो यहाँ ए इज इक्वल टू होगा 3/10 इंटू 2/3, देन सी इज इक्वल टू 3/10 इंटू 1/3। ये 3 कट गया तो ये निकला हमारा 2/10 देन 1/10। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो करना कुछ नहीं, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए का पहले रेशियो था 5/10, तो 5/10 में प्लस कितना हो गया 2/10, और सी का जो रेशियो था वो था 2/10 पहले, इससे प्लस कितना होगा 1/10, गुड। तो ये निकलेगा 7/10 देन 2/10 3/10, तो इसका आंसर जो आएगा वो 7:3। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट ये क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन हो तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक चीज और कीजिएगा इस क्वेश्चन में कि जब टेकन रहेगा तो पहले इंटू करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब आपको बताते हैं टॉपिक गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो जो टॉपिक होता है, गेनिंग रेशियो ये बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान देखिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। जहां तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, गेनिंग रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गेनिंग रेशियो जो होता है एक प्रकार का लाभ अनुपात होता है, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ट्रिक क्या होता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा ए बी सी, गुड। रेशियो रहेगा हमारा 3:2:1, हमारा बोला है बी रिटायर, बी रिटायर, और निकालने बोला है क्या न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों। तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक ये होता है कि जब प्रश्न में हमारा टेकन नहीं करता है रिटायर पार्टनर, तो उस कंडीशन में न्यू रेशियो ही क्या होता है गेनिंग रेशियो। तो कैसे, जैसे मान लीजिए बी रिटायर कर गया तो हमारा न्यू रेशियो बचा कौन, ए और सी 3:1, तो यही न्यू रेशियो क्या होगा गेनिंग रेशियो। तो कैसे प्रूव करके बताते हैं आपको हम, क्योंकि गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गौर कीजिए हमको निकालना है ए का, तो ए का न्यू रेशियो कितना है 3/4 माइनस 3/6, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12, तो 4 3 9 3 9 6 12 3 6, 3/12 ये ए का निकला। सी का निकालेंगे 1/4 माइनस 1/6, यहाँ पे एलसीएम 12 होगा, तो 4 3 12 6 2 12, तो 1/12। और की ये देखिए आंसर 3:2। तो कंडीशन ये होता है कि जब ओल्ड से न्यू निकालते हैं तो वही न्यू मेरा क्या होता है गेनिंग रेशियो होता है। क्या होता है गेनिंग रेशियो होता है। एक और टॉपिक बताते हैं इसी के तहत गेनिंग रेशियो के तहत, देखिए ध्यान से देखिए, हम थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं लेकिन आप ध्यान से लीजिए दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्स वाई जेड, रेशियो रहेगा 3:2 या 5:3:2, 5:3:2 y रिटायर किया है और यहां पे वो टेकन किया है किससे, x और z से 2:1 से, गुड। निकालना है गेनिंग रेशियो। तो यहां पे एक शॉर्टकट रूल होता है कि जो भी टेकन कर रहा है रेशियो वही रेशियो में क्या होगी गेनिंग रेशियो। तो यहां पे गेनिंग रेशियो बन सके था 2:1, 2:1। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए पहले हम y रिटायर करेंगे, तो y जब रिटायर करते हैं तो y अपना हिस्सा लेगा 3/10 और ये टेकन कर रहा है किसे 2:1 से, किसे x और z से, तो पहले रेशियो निकलेगा, तो रेशियो होगा 3/10 इंटू 2/3 किसका x का, और z का होगा मेरा 3/10 इंटू 1/3, तो ये होगा मेरा 2/10 देन 1/10, क्योंकि 3 3 कट गया। अब क्या करते हैं,
यहाँ पे निकालेंगे न्यू रेशियो, क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न का पहला जो रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो होता है, तो ओल्ड तो दिया है वो निकाला है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 5/10 प्लस 2/10 और z इक्वल टू 2/10 प्लस 1/10, तो निकलेगा 7/10 देन 3/10, तो हमारा रेशियो निकलेगा 7:3, तो ये निकला आपका न्यू रेशियो, और ये जो रेशियो दिया है ये कौन रेशियो है, आपका ओल्ड रेशियो। तो करना कुछ नहीं है, यहां हम लिखेंगे गेनी रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो x का जो न्यू है वो मेरा 7/10 माइनस ओल्ड जो है 5/10, z का है 3/10 माइनस 2/10, तो गौर कीजिए निकला 2/10 देन 1/10, तो 2:1, तो ध्यान से गौर कीजिए कि जो टेकन किया वही मेरा क्या निकला, गेनिंग रेशियो। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, इसको ध्यान देखिएगा। अब आपको बताएंगे टॉपिक घुटवे, गुड। अब आपको थर्ड टॉपिक बताएंगे घुटवे, तो ये आसान ट्रिक था, इसके तहत आपका किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो तीसरा टॉपिक घुटवे को ध्यान देखिएगा, जैसे कि हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है घुटवे, गुड। तो गुडविल, जब भी आपको गुडविल आने बोलेगा तो गुडविल का एक एंट्री होता है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली उस एंट्री को देखिएगा, जनरेटिव कॉलम में एंट्रीज होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल को, नरेशन होगा बीइंग वैल्यूएशन गुडविल या बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग जो होगा वो डेबिट होगा और जो रिटायर होगा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसी जनरेटिव इधर गुडविल कंटे करते हैं, तो दो क्वेश्चन बताते हैं कौन सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा एक्स वाई जेड पार्टनर रेशियो है 3:2:1, हमारा वाई रिटायर किया, Y क्या किया, रिटायर किया, और फर्म का जो गुडविल है वो हमारा है 60,000, कितना है बोला है जनरल ट्री गुडविल का या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रश्न में एक्स वाई जेड पार्टनर है, Y रिटायर किया है, फर्म का गुडविल पूरे बिजनेस का गुडविल कितना है 60,000, हमको ट्रीटमेंट करना है किसका, जनरल ट्री गुडविल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये पता है कि ये आपका है ओल्ड रेशियो, तो हम पहले क्या न्यू रेशियो निकालें, तो वाई जब रिटायर करेगा तो गौर कीजिए वाई अपना हिस्सा लेगा 2/6, बट और 2/6 लेगा तो निकलेगा न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो में एक्स और जेड का निकलेगा तो निकलेगा 3:1। अब आपको पीछे टॉपिक बता चुके थे कि जब ओल्ड से न्यू निकालते हैं तो वही न्यू मेरा क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है, क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। तो सबसे पहले y क्या करेगा, अपना गुडविल लेगा, तो y गुडविल लेगा 2/6 × 60,000, तो इसको डिवाइड कितना है 10,000, अब इसी 10,000 को समझेंगे 3:1। तो यहां पे जब जनरेटिव करेंगे इस क्वेश्चन में तो आप गौर कीजिएगा, गेनिंग जो किया है वो मेरा x और z किया है, गुड, और जो रिटायर हो रहा है वाई, तो जब जनरेटिव बनाएंगे तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिख लीजिएगा जनरेटिव, यहां हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे 10,000 और इसको 3:1 रेशियो डिवाइड कर देंगे, तो 3:1 बाय डिवाइड करेंगे तो ये 7500 देन 2500, नरेशन होगा बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आसान ट्रिक है। एक और ट्रिक इसमें है कि जब टेकन करेगा, ध्यान देखेंगे, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ए बी सी रेशियो है 5:3:2, हमारा बी रिटायर किया, गुड, और बी रिटायर कर रहा है, टेकन ओवर जो कर रहा है वो कर रहा है ए और सी से 2:1 रेशियो, गुडविल जो पूरा फर्म का है वो है 1,00,000, बोला है जनरल इसका गुडविल का, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे टेकन किया है
तो जब टेक इन करता है तो वही रेशियो मेरे क्या होता है, गिनी रेशियो। तो यही रेशियो मेरे क्या हो गया, गिनी रेशियो। तो प्रश्न में जब बी रिटायर करेगा तो बी का रेशियो है 3/10 इंटू 1 लाख, गुडविल लेगा बी, अपना गुडविल लेगा तो बी का गुडविल कितना आएगा 30,000। अब यही 30,000 इंटरेस्ट मंथ में, तो जनरल डी कॉलम बनाएंगे। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो गेनिंग है वो कौन है, ए और सी है। गेनिंग कौन है हमारा, ए और सी है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन टू बी इज कैपिटल अकाउंट। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 30,000, यहां लिखेंगे 20,000, देन 10,000। नरेशन लिखेंगे बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। करना कुछ नहीं है, जब ओल्ड से न्यू निकालेंगे तो वही गेनिंग हो जाएगा, और जब टिकन करेगा तो जो टिकन रेशियो होगा वही मेरे क्या हो, गेनिंग रेशियो। इसी कंडीशन के तहत क्या करेंगे, हम गुडविल का एंट्री करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए और लिख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसका नाम है रिवैल्यूएशन एसक्यूएल, उसको लिख लीजिए, हम बता देते हैं। देखिए जो भी बता रहे हैं इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, ये पूरे रिटायरमेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको कॉपी कर लीजिए। तीसरा टॉपिक जो है वो रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी टॉपिक है। गुड, तो उसके तहत हमारा क्वेश्चन है, जैसे देखेंगे एक्स वाई जेड पार्टनर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एडजस्टमेंट ऑफ वाई रिटायर कर रहा है, गुडविल फर्म का है 7,000, प्लांट हमारा 80,000 है, बैड डेट बोला है 10% ऑफ डेटर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको बनाना है रिवैल्यूएशन, क्या बनाना है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के टॉपिक से बना के वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे रूल डाले हुए हैं, क्या इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, एंट्री क्या होता है। बट बस इसको देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को इजी करना है तो पहले क्वेश्चन का वर्क नोट सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग नोट कह रहा है हमारा कि हमारा दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है हमारा, एक्स वाई और जेड पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2, वाई रिटायर किया है। तो वाई रिटायर किया है तो हमारा जो न्यू रेशियो बचेगा, जो बचेगा एक्स और जेड, जो न्यू है मेरा क्या गिनी रेशियो है 5:2:2। गुड, प्रश्न में सबसे पहले देखिए हमारा पीएल दिया हुआ है, तो पीएल हमारा दिया है 30,000, कितना दिया है 30,000। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, ये बताएगा कितना मेरा इंक्रीज करा है, क्या मेरा डिक्रीज करा है। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा पीएल से पहले, पीएल के बाद हमारा गुडविल भी दिया है फर्म का, वो दिया है 7,000, कितना दिया है 7,000। तो सबसे पहले हमारा बोला प्लांट, ठीक है, एडिशन में तो प्लांट का अमाउंट 80,000 दिया, प्लांट पहले कितना 50, तो 50 था बाद में 80 हो गया, तो प्लांट एक्चुअली एसेट्स है जो बढ़ रहा है कितना से 30,000। हमारा बैड डेट बोला है 10% ऑफ डेटर, तो बैड डेट जो होता है ये हमारा एसेट्स है क्योंकि डेटर्स हो रहा है, तो बैड डेट घट रहा है 10%, देन 20 का 10% निकलेगा 2,000, कितना निकलेगा 2,000। ये हमारा सिंपल सा वर्किंग नोट, इसको ध्यान दे दीजिए, इसी वर्किंग नोट के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले गौर कीजिए, सबसे पहले हमारा क्या है, वाई अपना गुडविल निकालेगा, तो वाई अपना गुडविल निकालेगा, तो y का रेशियो है 3/10 इंटू 7,000, तो कट गया निकलेगा 2,100। ये मिलेगा किसको, x और z कौन सा रेशियो 5:2। अब हम जनरल एंट्री करते हैं, तो सबसे पहला एंट्री करते हैं इंक्रीज इन एसेट्स। तो इंक्रीज कर रहा है प्लांट, जैसा कि एंट्री बता चुके हैं इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट मेरा प्लांट है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो प्लांट कितना बढ़ा गया 30,000 डेबिट, देन 30,000 क्रेडिट। दूसरा हमारा हो रहा है डिक्रीज इन एसेट्स, तो डिक्रीज हमारा कर रहा है बैड डेट्स, ध्यान से किया मैंने दिया हुआ है 2,000 से, तो डिक्रीज का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स,
यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, कितना मिला 2000 डेबिट देन 2000। तीसरा जो एंट्री होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ना तो इंक्रीज लैप्टिक है ना तो डिक्रीज लैप्टिक है, तो प्रॉफिट लॉस का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट देन जेड कैपिटल अकाउंट। पीएल के अमाउंट जो दिया है वो दिया है हमारे अंदर 30,000, डिवाइड कर दें कौन से जो है 5:3:2 रेशियो, जैसे पीएल डिवाइड करेंगे तो होगा 15,000 9,000 देन 6,000। पीएल डिवाइड होने के बाद क्या करेंगे, अगला जो एंट्री करेंगे हम लोग गुडविल का, तो गुडविल का होता है गिनिंग टू सैक्रिफाई, तो गिनिंग हमारा कौन एक्स और जेड है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। गुड, गुडविल हमारा कितना है 2100, जिसको डिवाइड करना है 5:3 रेशियो में, 7:1500 देन 600। गुड, अब गुडविल डिवाइड हो गया, अब क्या करेंगे रिवैल्यूएशन का रिजर्व लेंगे, तो रिवैल्यूएशन का रिजर्व बनता है तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट डिटेल लिख दीजिएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डेबिट में टू होता है क्रेडिट में बाय होता है, तो गौर कीजिएगा स्पेस कम है, अब साफ साफ लिखिएगा, तो रिवैल्यूएशन पहले एंट्री में क्रेडिट है तो बाय प्लांट शॉर्ट में पी लिख दिए, ये 30,000 देन यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट्स 2000, हमारा 30,000 बड़ा है ये हमारा है मात्र 2000, लाना है 30,000, तो निकलेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकलेगा 28,000, इसको डिवाइड करेंगे एक्स में वाई में और जेड में, डिवाइड करेंगे 5:3:2 इससे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इसके एंट्री कर देंगे। आपको पता है प्रॉफिट का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट देन जेड कैपिटल अकाउंट, एंट्री करने वाले आप पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन था, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, प्रॉफिट का एंट्री कर दीजिए की नहीं है, चलिए कर देते हैं, प्रॉफिट का एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई देन टू जेड 28,000 डिवाइड कर देंगे 5:3:2 रेशियो, ये हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, बाकी यदि समस्या हो तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लें, आपको दिक्कत नहीं होती, ये टॉपिक हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, बाकी टॉपिक हम बताएंगे इसको आप देखिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करना भूलेंगे नहीं, जरूर से करेंगे, ओके।